तो नमस्कार, मैं धीरज स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। तो आज जो मैं ऑक्शन लेके आया हूं, यह बहुत बड़ा ऑक्शन है साड़ी का, सूट का, लहंगा का, प्रिंटेड साड़ी, सिफोन साड़ी, जॉर्जेट साड़ी, जैसा कि आप देख रहे हैं सिंथेटिक साड़ी, सिल्क साड़ी। तो हम इसके बारे में बात करेंगे, ये कब और कहां लगा हुआ है हम जानेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि क्या प्रोडक्ट है, कितनी क्वांटिटी है, कौन सा ब्रांड है। ये जानने के बाद हम आगे जानेंगे कि ये कहां पे ऑक्शन लगा हुआ है, कब इसको आप देख सकते हैं और कैसे आप इसको खरीद सकते हैं। अगर आप एक होलसेलर हैं, अगर एक शॉपकीपर हैं, अगर एक गारमेंट से जुड़े यदि आप बिजनेसमैन हैं, तो आपके लिए यह बहुत ही जरूरी वीडियो होने वाला है। तो कृपया वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको पूरा नॉलेज हो सके। वीडियो को देखिए, अगर इसके बाद भी अगर कोई क्वेरी होता है तो मेरे दिए गए नंबर पर आप कॉल करके क्लेरिफिकेशन ले सकते हैं। और किस तरह से आपको रजिस्टर्ड करना है एमएसटीसी में, किस तरह से इस प्रोडक्ट को खरीदना है, उसमें हम आपका हेल्प करेंगे। या तो आप डायरेक्ट भी एमएसटीसी के थ्रू रजिस्टर करके इन माल को खरीद सकते हैं। फिलहाल हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है इस ऑक्शन में और कहां पे है। तो ये देखिए, जो ये आप डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं, ये तो है सीरियल नंबर। ये जितना नीचे तक जाएगा ये है सीरियल नंबर, और ये डिस्क्रिप्शन है, जो भी है आइटम वो इसमें लिखा हुआ है। आगे हम चलते हैं, तो ये क्या है, एनेक्चर 1 में मार्क ऑन पैकेट, जो पैकेट है, पैकेट के ऊपर क्या लिखा हुआ है, ये सारा मार्क है, मार्किंग है। इट मींस अगर कोई ब्रांड का है तो उसका मार्किंग है, और ब्रांड का नेम, देखिए ब्रांड इफ एनी, यदि ब्रांड का कोई नेम है तो वो ब्रांड इसमें लिखा हुआ है। क्वांटिटी और पीसेस, ये देखिए क्वांटिटी और पीसेस इसके सामने चल रहा है। जैसे जैसे कि ये देख लीजिए, सीरियल नंबर 1 क्या है, सिल्क साड़ी है, सीरियल नंबर 1 सिल्क साड़ी। और ये क्या है, इस पे जो एक इसका पैकेट बनाया हुआ है, और पैकेट पे क्या लिखा हुआ है, ये सहजादी करके कुछ लिखा हुआ है, जो ब्रांड है सहजादी है। और ये कितने पीस है, ये पीस है 49 पीसेस। अब 49 पीसेस उसके बाद में है क्या, साड़ी विथ दुपट्टा है, ये रूप रानी, पानीपुरी, ये है लॉच लेसन, ऐसा कोई ब्रांड है, और ये भी 49 पीस है। उसके बाद हम नीचे बढ़ते हैं, फिर साड़ी है एसडीएच, एसडीएच ब्रांड का है, 44 पीसेस है। फिर उसके बाद सिल्क साड़ी है, सिल्क साड़ी है सगुन साड़ी, सगुन इसका ब्रांड है, 150 पीस है। फिर उसके बाद में नॉर्मल साड़ी है, नॉर्मल साड़ी का ये जो है सगुन 5 पैकेट, सगुन का ब्रांड है, 150 पीस है। मतलब 5 पीस का पैकेट एक साथ है और टोटल 150 पीस है। फिर उसके बाद में लहंगा सूट, आप यहां देखिए क्लियर पढ़िए आप, लहंगा सूट मतलब लहंगा सूट है इसका, ये कोई मार्किंग है ABH090, जो साफ साफ लिखा है, जो पैकेट के ऊपर मार्किंग की हुई होती है। कुछ भी हम अपने क्लाइंट को एक मार्किंग देते हैं, जो हमारे हिसाब से जो हम जो डायरी में चढ़ाते हैं वो मार्किंग होती है। ये देखिए इसका जो ब्रांड है NT1504 लालन अनंत NT 20 पीसेस है। देखिए लहंगा काफी महंगा भी होता है तो उस हिसाब से ये 20 पीस है। उसके बाद साड़ी है A+H ब्रांड है। उसके बाद ये इसका ये JKD विथ ब्लाउज उसका कुछ है, उसके साथ ये टोटल 80 पीस है। फिर हम उसके बाद चलते हैं, फिर सिल्क साड़ी है, सिल्क साड़ी 24 पीस है। फिर उसके बाद में सिल्क साड़ी, अभी आप देखते जाइए, सिल्क साड़ी, सिल्क साड़ी, सिल्क कॉटन लेन है, सिल्क साड़ी, ये सारे जितने भी हैं सिल्क साड़ी का, ज्यादातर इसमें सिल्क साड़ी है। उसके बाद में प्रिंटेड कॉटन, कॉटन एल सूट, इसमें कितने हैं, यामा प्रिंटेड MB प्रिंट 69, मतलब 69 पीसेस है। फिर सिल्क साड़ी, सिल्क साड़ी, फिर सिल्क साड़ी सुपर कॉम्बिक, या ऐसा कुछ होता है, आप लोग को पता होगा अगर यदि आप साड़ी से जुड़े या कपड़ों से जुड़े हुए बिजनेस कर रहे हैं तो। उसके बाद में सिल्क साड़ी, सिंथेटिक, सिंथेटिक साड़ी, सिल्क साड़ी, फिर सिंथेटिक सिल्क साड़ी, ये लिस्ट जो है ये बहुत ही लंबा है। ये देखिए आगे तक हम चलते जाएंगे, ये सब सिंथेटिक साड़ी है और ये सब ब्रांड है। देखिए बहुत बड़े बड़े ब्रांडों के हैं, इन सब ब्रांडों का नाम लिखा हुआ है, जितनी क्वांटिटी है पीस, अगर सारे पीस क्वांटिटी को जोड़ेंगे तो जो सीरियल नंबर जा रहा है, देखते हैं हम कितने तक जा रहा है, ये सीरियल नंबर जाएगा 300 प्लस, और ये जो अगर हम इसको टोटल करेंगे तो कई हजारों में क्वांटिटी जाएगी। तो हम जब आगे बढ़ते हैं, ये देखिए ये सारा मार्किंग है और ये उस पे जो उसके ब्रांड का नाम है। फिर सिल्क साड़ी, फिर देखिए लेडीज सूट पीस, लेडीज सूट पीस। तो अगर आप गारमेंट एक्सेसरीज का काम करते हैं या गारमेंट का शॉप है आपके लिए, तो ये सोने पे सुहागा वाला ऑफर होने वाला है आपके साथ। उसके बाद देखिए ये फुल लहंगा सूट, फुल लहंगे का सेट है। उसके बाद में कॉटन साड़ी, सिल्क साड़ी,
फिर उसके बाद में फैंसी साड़ी, ये देखिए ये लिस्ट नेवर एंडिंग लिस्ट है, इतना बड़ा लिस्ट है, साड़ी विथ दुपट्टा, साड़ी विथ दुपट्टा, और ये साड़ी विथ दुपट्टा, और ये हम देखेंगे तो ये बहुत ही लंबा लिस्ट है। आप ये देखिए नेट लहंगा, नेट लहंगा होता है कुछ, आप लोग में आप लोग को पता है क्योंकि आप काम करते हैं। उसके बाद हम अगर आते हैं तो सबसे ज्यादा इसमें है जो सिल्क साड़ी है, फिर ये देखिए प्रिंटेड कॉटन साड़ी 900 पीस, आप ये देखिए अगर प्रिंटेड कॉटन साड़ी का हम बात करते हैं तो 900 पीसेस हैं आप प्रिंटेड। उसके बाद में है लग्जरी लिनन साड़ी, लग्जरी लिनन साड़ी मतलब ये जान लीजिए कि वो बहुत ही अच्छा होने वाला है, और ये मारुति साड़ी इसका ब्रांड है, आप लोग को पता होगा मारुति ब्रांड का क्या है, और 78 पीसेस है ये। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो फिर ये सिंथेटिक साड़ी है, वेलवेट साड़ी, देखिए वेलवेट साड़ी भी है यहाँ पे जो 20 पीस है। उसके बाद में हम अगर चलते हैं तो ये देखिए ये बहुत ही बड़ा लिस्ट है ये, और ये सब मतलब वहां पे रखा हुआ है जहां पे इसका ऑक्शन चल रहा है, और ये देखिए 331, हमें यहां तक देखे तो 331 हो गया है, और हम अगर इसको नीचे तक देख रहे हैं देखिए टोटल देखिए कितना है, जो कि ये देखिए 397 पीस, अगर देखा जाए तो सीरियल नंबर 397 अप्रॉक्स 400 के करीब, मतलब 397 पीस हो गए, और टोटल अगर हम इसकी टोटल क्वांटिटी की बात करें तो वो कई हजार हैं। आप सोचिए 400 इंटू कोई भी कर लीजिए जो 50 से ऊपर ही है, 50 100 150 900 पीस तक है इसमें, तो 400 इंटू अगर आप अगर 50 भी करते तो सोचिए कितना बड़ा क्वांटिटी बनने वाला है। तो हम जानते हैं कि ये कहां पे है, आइए हम जानते हैं कि ये कहां, ये जो ऑक्शन लगा हुआ है, ये जो ऑक्शन है ये कोलकाता में ऑक्शन लगा हुआ है। आप इसको कैसे खरीद सकते हैं हम इसके बारे में भी जानेंगे, और इस तरह के देखिए इस तरह के बहुत सारे लॉट आते हैं, उन सब लॉटों में आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कैसे अपडेटेड रह सकते हैं। देखिए मैंने एक प्रोफेशनल टीम डेवलप की हुई है जो हर ऑक्शन का इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाएगा। अब हर ऑक्शन में देखिए वैसे तो ये गवर्नमेंट का ऑफिशियल साइट पे अवेलेबल होता है, बट आप लोग देख नहीं पाएंगे, वैसे एमएसटीसी के साइट पे जाके आप इन सबको डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक प्रोफेशनल टीम है जो आपको रोज या दो चार दिन में जब भी ऑक्शन आता है आपको अपडेट करते हैं। ये देखिए कहां पे है, ये देखिए वेस्ट बंगाल कोलकाता में ये लगा हुआ है, वेस्ट बंगाल कोलकाता में लगा हुआ है 10/9/2020, मतलब इसका देखने का जो टाइम है 10/9/2020। हम फिलहाल इसको जान लेते हैं कि इसका, अब हमने प्रोडक्ट के बारे में जान लिया कि इसमें क्या प्रोडक्ट है, अब हम जानते हैं कौन इसको ऑक्शन कर रहा है और कब इसको देख सकते हैं और कब इसका बिडिंग होगा, और बिडिंग के बाद मैं आपको बताऊंगा कि यह कितने में बिकने वाला है। तो अभी हम जानते हैं, अब ये देखिए ये जो है ये कब होने वाला है ऑक्शन, ये हम इसके बारे में जानेंगे। तो ये जो है ऑक्शन कमिश्नर ऑफ कस्टम प्रिवेंटिव वेस्ट बंगाल, मतलब कस्टम ऑफ कमिश्नर के द्वारा यह ऑक्शन किया जा रहा है। सेलर का नाम भी देख लीजिए, कमिश्नर ऑफ कस्टम प्रिवेंटिव वेस्ट बंगाल, और यहां पे देखिए इस ईमेल आईडी पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, डिटेल भी मंगा सकते हैं, यहां फोन नंबर भी दिया गया है। अब आप देखिए हम जानते हैं इस ऑक्शन का जो नंबर है, ये ऑक्शन नंबर 4920 है, आप 4920 है इस ऑक्शन का नाम, और ये खुलेगा कब देखने के लिए, तो ये देखिए ये जो है इंस्पेक्शन 9 तारीख, मतलब 9 और 10 दो दिन इंस्पेक्शन का टाइम है। आप यदि एमएसटीसी में रजिस्टर्ड हैं तो आप वहां जाइए, इन सभी लॉट का आप एग्जामिनेशन कीजिए, मतलब चेक कीजिए कि वो क्या है, उसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है, क्योंकि ऑक्शन में आते आते माल को टाइम लग जाता है, तो वो देखिए कि हाँ वो सच में वो लायक है, वो चलने लायक है नहीं है। बिना देखे आप ये मत सोच लीजिए कि लहंगा है साड़ी है और हम उसका कुछ भी प्राइस लगा देंगे और कितने भी मिलेगा तो हम प्रॉफिट कमा लेंगे, नहीं, ऐसा सोच नहीं रखिएगा। आप जाइए और माल देखिए, और माल देखने के बाद तब इंस्पेक्शन के तब आप उसकी बिडिंग लगाइए। ये देखिए 10/6 तक आप देख सकते हैं लास्ट, और 11/6 को 12 बजे से लेकर 16 बजे, मतलब दिन में 12 बजे से लेकर 11 तारीख को 16 बजे तक इसकी, मतलब शाम के 4 बजे तक इसकी बिडिंग चलेगी,
और जो देखिए दो तरह से ये बिड होता है, एक होता है टेंडर के थ्रू, मतलब आपको जैसे आप एमएसटीसी में लॉगिन करेंगे आपसे एमएसटीसी पूछेगा आप टेंडर लगाना चाहते हैं या बिड लगाना चाहते हैं, आप ई टेंडर सेलेक्ट करेंगे तो आपको जो भी आपको इसका प्राइस लगता है एक बार आपको इसका प्राइस डाल देना है इसका। हालांकि जो इंट्रेंसिक वैल्यू है वो कस्टम के पास होगा और उस वैल्यू से ऊपर जब बोली जाएगा तभी ये अलॉट होगा किसी को, अगर उस बोली से नीचे है तो ये कस्टम के हाथ में कि वो अलॉट करे या ना करे या आगे फिर दोबारा इनका ऑक्शन करे। तो अगर मान लीजिए कि इसका जो इंट्रेंसिक वैल्यू है अगर 4 लाख रुपए लगाया हुआ है कस्टम ने, तो अगर 4 लाख से बोली ऊपर जाएगी तो ही किसी को अलॉट होगा। अगर मान लीजिए कि बोली इसकी शुरू होती है 1 रुपए से और कोई 10 रुपए पे बोली खत्म कर देता है तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि 10 रुपए वाले को मिल जाएगा, हाँ वो H1 में आ जाएगा, पोजिशन उसका हाई होगा, उनको क्या होगा कि उनको पेंडिंग दिखाएगा। ये जब पेंडिंग दिखाएगा इसका मतलब ये नहीं कि उनको आपको मिल गया है, आपको मिलेगा तब जब आपके पास एमएसटीसी की तरफ से मेल आ जाएगा कि हाँ ये आपको अलॉट हो गया है और एसडीएम मतलब जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो कराइए या ईएमडी जमा कराइए। तो जब ये मेल आ जाए तब समझिए कि आपको मिला है। तो दो चीज हो सकता है कि जिसका हाई बिड हो उसी को जाएगा, चाहे आप टेंडर में पैसा लगाए हो चाहे वो आप बिडिंग के थ्रू आप जीते हो इस लॉट को। तो आइए हम जानते हैं कि टोटल क्या है और कैसे है। ये देखिए लॉट नंबर 10-20-21 क्या है, गारमेंट्स है, मतलब पूरे लॉट का जो नाम दिया गया है वो गारमेंट्स है। और ये गारमेंट्स है क्या, साड़ी और लहंगा, मेन चीज क्या है इसमें, साड़ी है और लहंगा है। तो साड़ी और लहंगा है। उसके बाद में ये देखिए श्री सिद्धि का, श्री सिद्धि कुमार सिंह इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, आप जाएंगे तो ये आपको गाइड भी करेंगे वहां पे, आपको ये माल भी दिखाएंगे। उसके बाद ये देखिए एक लॉट है जीएसटी एज पर अप्लीकेबल, देखिए फैब्रिक में क्या है जो जीएसटी है 5% है, लेकिन अगर उसका हाई वैल्यू है तो जीएसटी और बढ़ जाता है। तो देखिए जीएसटी उस टाइम अप्लीकेबल होगा जब आप लॉट आपको अलाउ हो जाएगा, उसके बाद जो जीएसटी उस पर डिसाइड होगा वो जीएसटी आप पेबल होंगे जो लॉट में जीतेगा। ध्यान रखे जीएसटी प्लस वहां से लोड करा के लाने का खर्चा, देखिए बिड में जब आप जीत जाते हैं तो जो भी अमाउंट में आप कंटेनर का लॉट अगर आपको अलॉट हुआ है उसके ऊपर प्लस जो जीएसटी एप्लीकेबल होगा वो आप प्लस लोडिंग का वहां का लेबर का और लेके आने का, क्योंकि जो ऑक्शन में माल मिलता है ना तो जो जहां रखा रहता है वो एज इट इज होता है, उसमें आपको कोई वहां से कोई हेल्प नहीं मिलेगा कि कोई लेबर दे दिया कि इसको इधर कर लीजिए उधर कर लीजिए, तब होगा ऐसा कुछ नहीं होगा। जो जहां पड़ा हुआ है वहां से आपको खुद ही उठाना है खुद ही लेके आना है, वो लेबर और लाने का खर्चा सब कुछ आपका होगा। लोकेशन देखिए PNICCP कस्टम हाउस 15/1 स्टैंड रोड कोलकाता, स्टैंड रोड कोलकाता स्टेट वेस्ट बंगाल। तो यहां पे है कस्टम हाउस, वहां पे जाना है, वहां पे जाके आप पहले माल देखेंगे और माल देखने के बाद आप इसको खरीदेंगे। द जीएसटी हैज टू बी पेड बाय द रिसिपिएंट ऑफ द सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो जब आप जीएसटी पे कीजिएगा ना तो जीएसटी आपको क्या होगा वो रिवर्स मिलेगा जब आप सेल कीजिएगा तो, ठीक है। तो जो इस माल को लेगा उसी को जीएसटी बाद में पे करना है। तो जैसा कि आपने जाना कि कैसे आप इस ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कैसे इस तरह के ऑक्शन से आपको अपडेट रहना है, इसके लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, दिए गए नंबर पर कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, और कैसे एमएसटीसी में आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से जुड़े कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए आप आइए हमसे जुड़िए। हमारा ऑफिस दिल्ली में है, छतरपुर में है, अभी हम कलकत्ता में भी अपना ब्रांच खोलने वाले हैं, मुंबई में भी खोलने वाले हैं। तो धीरे धीरे हम लोग बढ़ा रहे हैं और ताकि लोग सोच और समझ करके काम करें। ये जितने लॉट है ना ये कहीं ना कहीं इसमें एक्सपोर्टर या इंपोर्टर के साथ कुछ ऐसी दिक्कतें थी जो सही तरीके से चीजों को कर नहीं पाए और जिसके कारण ये आज कस्टम इसका ऑक्शन कर रहा है। तो पूरा अगर इंफॉर्मेशन आपके पास होगा ना कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे करते हैं तो आप प्रॉफिट में रहेंगे और आपके साथ ऐसी गलतियां नहीं होंगी। तो ठीक इसी तरह के ऑक्शन या इंपोर्ट या एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट। जय हिंद, जय भारत।